मायावती चुनावी आंकड़ों में भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे वो देश की सियासत हो या यूपी की, संघर्ष से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली मायावती आज 62 साल की हो गई। अपने जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने देश की दो बड़ी पार्टियों पर तीखा हमला किया। एक साधारण सी टीचर देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की मुखिया बनी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जीवन का संघर्ष इसी एक लाइन से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान और जबरदस्त थमक रखने वाली मायावती 62 साल की हो गई। सत्ता हो ना हो, पावर हो ना हो, लेकिन मायावती लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रही। इस बार अपने जन्मदिन पर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर सीधा हमला बोला और कहा कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बाबा साहेब के आदर्शों को आघात पहुंचाया है। अब ये दोनों पार्टियां व इनके सहयोगी दल भी आए दिन अपनी कमजोर होती हुई स्थिति को देखते हुए इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में अपने हर छोटे बड़े कार्यक्रम में विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो व चित्र आदि लगाना तथा इनका नाम भी लेना अक्सर नहीं भूलते हैं। अभी तक यहाँ कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोग ये दोनों ही चोर चोर मोसेरे भाई नजर आते हैं। उन्होंने फिर से ईवीएम को लेकर सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी और आरएसएस घिनौने हथकंडे अपना रहे हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ कर बसपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया गया, जानबूझकर दलितों और क्षत्रियों के बीच जातीय संघर्ष करवाया गया। उन्होंने निकाय चुनावों में बसपा के प्रदर्शन पर खुशी जताई और कहा कि बीजेपी के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही चलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वहां क्षत्रियों व दलितों के बीच में भयंकर जातीय संघर्ष करवाया है। बार उत्तर प्रदेश के हुए शहरी निकाय के चुनाव में बीएसपी का काफी अच्छा रिजल्ट आया है, जबकि चुनाव में बीजेपी के लगभग 45% उम्मीदवारों की जमानत तक भी जब्त हो गई। मायावती ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी जाते जाते बची। जहां हर हर मोदी व घर घर मोदी के नारे वाले श्री नरेंद्र मोदी इस बार वहां बेघर होते होते बाल बाल बचे हैं। हालांकि ये बाल बाल भी नहीं बचते। यदि यहां देश के अन्य राज्यों की तरह दलितों का 18% या 20% भी वोट होता। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को जन्मदिन की बधाइयां दी। मेरी मायावती जी को जन्मदिन पर मेरी हार्दिक बधाई। दूसरे दलों के नेताओं ने भी मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात में तो मैं ये कह सकता हूं कि जो जनादेश मिला है विपक्ष को, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। कब बनाई? जब 19 स्टेटों के मुख्यमंत्री वहां पड़े रहे, प्रधानमंत्री उसको पूरा देश समझ के वहीं पड़े रहे, पूरी सरकारी तंत्र लग गया। लोग तो कह रहे हैं बिन और अगर ईवीएम मशीन नहीं होती तो तब भी हार जाते, लेकिन हम कह रहे हैं जीत गए, उनको जनादेश मिला। लेकिन जो उनका भ्रम था, जो देश में कह रहे थे हम 150 सीटें जीतेंगे, ये तय हो गया है कि 19 में वो चुनाव हारने जा रहे हैं। सुश्री मायावती जी को ये कहने के पहले अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए। 2014 में लोकसभा के चुनाव में 0 सीटों पर, 2017 में 17 सीटों पर, स्वयं गुजरात में चुनाव लड़ने पे कितना प्रतिशत वोट पाई थी शायद मायावती जी को भी न याद हो। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 7वीं बार सरकार बनी है, देश में हमारी सरकार है, तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस पर अगर ध्यान दे मायावती जी तो उनकी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल यूपी हो या देश की राजनीति, मायावती को कमजोर समझ सकते हैं पर इग्नोर नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।